ठंड के मौसम में ना बस कुछ गरम गरम खाने को मिले और गरम गरम ही कुछ पीने को मिल जाए, और ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर एक साथ मिल जाए तो क्या ही बात है। तो ऐसे हेलो ऑल, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आराधना देसी किचन। तो चलिए देखते हैं, बहुत सारी सब्जियाँ पर बहुत ही मिनिमम मैंने यहाँ पर काट के रखी हुई हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिया हुआ है फूल गोभी, इसे मैंने घिस कर और इसका पानी निकाल कर रख दिया है, और देखिए ये कुछ इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है। इसके साथ थोड़े थोड़े और सब्जियां जाएंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। जैसे यहाँ पे लिया हुआ है मैंने कद्दूकस किया हुआ गाजर, और एक मैंने यहाँ पे बिग साइज़ का प्याज चॉप कर लिया है, और थोड़े से पत्ता गोभी इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। इनको मैं डालूँगी मंचूरियन बनाने के लिए बॉल में। तो यहाँ पर मंचूरियन बनाने के लिए मैंने फूल गोभी और गाजर जो एक लिया था बारीक चॉप किया हुआ यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून जितना मैं काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दिया है इसमें। उसके बाद बारीक चॉप किया हुआ 1 टीस्पून जितना ये अदरक गार्लिक और हरी मिर्च का भी इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं 2 चम्मच जितना कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच जितना मैदा। बस इसी रेशियो में आपको इनको मिक्स करना है, आपके जो मंचूरियन बॉल है बिल्कुल अच्छे से टाइटली बनेंगे और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट रहेंगे। तो 2 चम्मच जितना मैदा और 3 चम्मच जितना कॉर्नफ्लावर, आपको यही रेशो में इसे मिक्स करना है। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए। मैंने ऐसा कोई भी यहाँ सब्ज़ी नहीं लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी निकलता हो, बस फूल गोभी का ही पानी आता है तो वो मैंने पहले ही निकाल दिया था। अगर आप सब्ज़ियों और सारे मसालों को डालकर पानी निकालेंगे तो इसका टेस्ट निकल जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले सब्जियों का आप पानी निकाल के साइड कर लीजिए, उसके बाद सारे मसाले आप इसमें मिक्स कीजिए। अब ये देखिए अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लीजिए, और आपको जितने बड़े साइज़ का बॉल्स बनाने हैं उस तरह आप बना लीजिए, या तो आप बनाते बनाते भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर बना के रख लीजिए उसके बाद फ्राई कर लीजिए। तो एक बॉल को बना कर पहले ऑयल में इसे फ्राई करके चेक कर लीजिए कि बॉल फट तो नहीं रहा है, और जो भी मसाले डाले हैं वो उसमें बराबर मिला हुआ है, उसके बाद ही आप फिर सारे बॉल को बनाइए। तो चलिए पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बॉल सही बना है कि नहीं, और ये गोभी का मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बना था अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। तो देखिए मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, ऑयल कितना गर्म है आपको बस ये चेक करना है कि ऑयल में बबल आते रहना चाहिए। कितना गर्म होना चाहिए इसका अंदाज़ा आपको बस ऐसे ही लग जाएगा कि ऑयल में इस तरह से बबल आते रहना चाहिए। तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम और स्लो करते रहिए, और बबल को इस तरह से देखते रहिए कि ऑयल में आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ऑयल आपका ठंडा है, तो बस आपको गैस की फ्लेम को इतनी मेंटेन करना है कि इसमें ऑयल में बबल आते रहें। तो मैं देखिए इस तरह हिला के देख रही हूँ तो ये बिल्कुल नहीं खुल रहा है। तो अब मैं बाकी के भी मंचूरियन को इसमें डाल दे रही हूँ, और इसे बिल्कुल मीडियम ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि शायद ये कच्चा रह गया है तो आप इसे डबल फ्राई भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए मैं इस तरह से एक एक करके डालते जा रही हूँ। ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप गैप रखें ताकि इसे घुमाने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और मैं फोक से ही कर रही हूँ क्योंकि मुझे इससे ज़्यादा आसानी लगती है। इसे एक बार में सिर्फ एक ही बॉल को आप हिला सकते हैं, ना कि दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो बहुत आसानी से ये देखिए टर्न हो जाता है बिना किसी दूसरे बॉल को डिस्टर्ब किए हुए। तो मैं इसलिए इसी तरह फ्राई करती हूँ देखिए, और गैप रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अच्छे से मंचूरियन बॉल जो है टर्न होकर रोस्ट हो जाए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना फ्राई करना है और किस स्टेज। तो बस इतना कुछ गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, इसी स्टेज पर आप निकाल लीजिए। इसमें काफ़ी हीट होता है, फिर ये थोड़ा और भी कुक हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से जब सारे मंचूरियन बॉल फ्राई हो गए हैं मेरे, तो अब मैं इन सब को निकाल ले रही हूँ। गोभी की मंचूरियन बॉल बनाने के लिए आपको बहुत सारे सब्जियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत ही कम सब्जियों में भी ये मंचूरियन बॉल बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनके तैयार होती है। बस ज़रूरत है आप इसमें जो भी सब्जियाँ इस्तेमाल करें वो फ्रेश हो, जैसे धनिया पत्ता, हरा प्याज, बीन्स, गाजर और फूल गोभी, ये सब कुछ फ्रेश लेना चाहिए तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट आपका मंचूरियन बनके तैयार होगा। फ्रेश सब्जियों के साथ ही हम इसे बनाते हैं ना, इसलिए ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट बनता है, और शायद इसीलिए ये सबको पसंद भी आता है। तो चलिए बॉल फ्राई हो गए हैं, तो
तो अब इसके लिए ग्रेवी कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। तो ग्रेवी के लिए आपके लिए मैं थोड़ा इजी कर दे रही हूँ। अगर आपको सॉस कितना डालना है कितना नहीं कंफ्यूजन है, तो आप इस तरह से मार्केट में जो पाउच आता है ना मंचूरियन का, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस की मात्रा कितनी डालनी है कितनी नहीं, इसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कितने सारे मंचूरियन में कितना सॉस यूज़ करें, और सारे सॉस भी अवेलेबल नहीं होते हैं कभी कभी घर में। तो आप इस तरह मंचूरियन पाउडर ला के भी इसका ग्रेवी बना सकते हैं। और ये देखिए इसमें ऑलरेडी बहुत सारे मसाले इसके अंदर ऐड रहते हैं, इसलिए आपको एक्स्ट्रा इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके घर में बहुत सारे सॉसेस नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ये अवेलेबल तो है ना मार्केट में। तो चलिए अब इस पाउडर को आप पहले निकाल लीजिए बॉल में, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए पहले, ताकि इसमें कोई लंप ना रह जाए। हाँ, नॉर्मल पानी ही आपको इसमें मिक्स करना है, कोई गर्म पानी नहीं इसमें ऐड करना है। तो इस तरह अच्छी तरह से आप इसे पहले मिक्स कर लीजिए, और यहाँ पे मैं इसे तैयार कर लेती हूँ। पर मैं इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डालूँगी, वो देख लीजिएगा क्या क्या डाल रही हूँ और कब कब डालना है उन सब्जियों को। आप चाहें तो इसे एज अ सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे मंचूरियन ग्रेवी में इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप एज अ सूप भी इसे पी सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है इन सारी सब्जियों के साथ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया है, और इसमें मैं 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का, देखिए इस तरह से बारीक चॉप किया हुआ, इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं बहुत सारी सब्जियों को डाल रही हूँ। अगर आप सब्जियाँ नहीं डाल रहे हैं तो आपको इसे डालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए ही मैंने 1 टीस्पून जितना इन सबको इस्तेमाल किया है। अब ये बारीक चॉप किया हुआ जो हरा प्याज है उसे मैंने इसमें डाल दिया है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो अभी मैंने सिर्फ प्याज ही डाला है, इसकी पत्तियाँ भी इसमें हम डालेंगे लास्ट में। पत्तियों को पहले डाल के नहीं फ्राई करेंगे, वो लास्ट में डालते हैं। तो अब यहाँ पे मैं गाजर और बीन्स भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े हार्ड होते हैं, तो सबसे पहले इनको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि जो मैंने ग्रेवी बनाया बनाने के लिए मंचूरियन का पाउच यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, इसलिए मैं सब्जियों में सॉल्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो गाजर और बीन्स अच्छा से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे अब मैं पत्ता गोभी को भी ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद कॉर्न भी ऐड कर देंगे, और इन सब को बस फटाफट स्टर फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हल्का हल्का। मैं अब ये हरा प्याज का जो पत्ता है वो और धनिया पत्ता इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा मुझे फ्राई नहीं करना है। तो हरा प्याज के पत्ते और धनिया पत्ता को आप सबसे लास्ट में डालिए, और बस इस तरह से एक दो बार टर्न कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और अब मैं यहाँ पे 2 स्पून जितना ये सब कुछ निकाल कर साइड में रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ ये मैं आपको अभी आगे दिखा दूँगी। अब मैं यहाँ पे जो मंचूरियन का पाउच था उसका मैंने जो लिक्विड बना के रखा था वो सब कुछ इसमें डाल दिया है। अब डालकर आपको अच्छे से इसे स्टर करते रहना है, आपको रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यू इसे चला गाढ़ा रखना है। या आप इसे इस तरह से ग्रेवी वाली बनाना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिए। मैं इसे ग्रेवी वाला बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं इसे राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। तो अच्छे से इसे मिक्स कर रही हूँ, चलाते रह रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच जितना टमाटर सॉस ऐड करूँगी इसमें अच्छा कलर लाने के लिए, और इसमें जो टैंगीनेस होता है ना उसे बैलेंस करने के लिए। स्वीटनेस ऐड करनी पड़ती है यहाँ पे, आप या तो चीनी ऐड कर सकते हैं या 1 से 2 चम्मच जितना टमाटर सॉस भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप इसमें विनेगर भी 2 चम्मच जितना ऐड कर सकते हैं लास्ट में। अब इसमें अच्छे से उबाल आने के लिए मैंने वहाँ रख दिया था, तो उसके बाद मैं यहाँ पे जो राइस मैंने पहले ही बना के रखा है उसे यहाँ पे स्टर फ्राई कर रही हूँ। तो राइस को फ्राई करने के लिए 1 चम्मच जितना बस यहाँ पे ऑयल डाल दिया था, और ये पहले से बना के रखिएगा, तभी आपका जो फ्राइड राइस है वो बहुत अच्छा और खिला खिला बनता है। तो सब्जियाँ जो मैंने उसमें से निकाल के रखी थी उसे ही इसमें बस मैंने ऐड कर दिया है। थोड़े से और मैंने हरे पत्ते डाल दिए हैं प्याज के, और धनिया पत्ता भी डाल दिया है इसमें और ज़्यादा फ्रेशनेस ऐड करने के लिए, स्वाद को ऐड करने के लिए। अब इसे बहुत ज़्यादा आपको राइस को फ्राई नहीं करना है, बस राइस तो पहले से ही पका हुआ है, बस इन सब्जियों में मिक्स हो जाए इतना ही आपको हल्का हल्का चला के इसे मिक्स कर लेना है सब्जियों के साथ राइस को। और देखिए चावल कितना अच्छा और खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए ज़रूरी है कि चावल आप पहले से ही बना के रख लें, ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आप उनको
सब्जियों के साथ मिक्स करके इस तरह से बना लीजिए। और ये फ्राइड राइस और मंचूरियन का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप नूडल्स के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे राइस के साथ सर्व किया है। और देखिए राइस कितना अच्छा लग रहा है, कितना टैम्पिंग लग रहा है। तो चलिए अब हम प्लेट तैयार कर लेते हैं। राइस भी बन गई है और हमारी मंचूरियन ग्रेवी भी तैयार है। तो अब हम उसमें ये इतना गाढ़ा बहुत ही परफेक्ट है मंचूरियन ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सारे मंचूरियन बॉल्स को डाल दे रही हूँ और 5 मिनट दीजिएगा इसे अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रेवी को मंचूरियन बॉल के अंदर। और ऊपर से मैंने कुछ और हरे प्याज इस पर डाल दिया है इस तरह से इसे अच्छा लुक देने के लिए। तो 5 मिनट रेस्टिंग टाइम देते हैं इसे, उसके बाद हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अगर आपको एग पसंद है या चिकन पसंद है या इसके साथ आप कुछ स्टर फ्राई करके वेजिटेबल में आप ब्रोकली ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं। इन सब को साइड डिश में आप इसके साथ रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन इसका बैठता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्लेटिंग कुछ इस तरह से की थी। फ्राइड राइस को अलग रख दिया था प्लेट में, उसके साथ मैंने इसकी ग्रेवी को अलग रख दिया है बॉल में, और कुछ यहाँ पे जो मंचूरियन बॉल्स मैंने साइड में बचा लिए थे वो भी मैंने राइस के ऊपर रख दिया है। हाफ फ्राई किया हुआ यहाँ पे मैंने एग को यहाँ साइड में सर्व कर दिया। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मिल सके। और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये देखिए मंचूरियन बॉल्स तो है कितना सॉफ्ट। तो इस विंटर में ये गर्मा गर्म रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक आपका बहुत सारा।